तो ये जो है, मैं उनके बारे में कोई पब्लिक डिबेट में नहीं जाना चाहता कि शैलजा जी हमारी एक बड़ी लीडर है, शी हैज ऑल राइट टू एक्सप्रेस हर सेल्फ, उनको मेरे में कोई कमी दिखी हो तो जरूर से हाईकमांड से भी प्रस्तावित करें, और आई एम ऑलवेज ओपन हाईकमांड के साथ कि उनको लगता है कि मैं ये काम करने के लिए इतना सक्षम नहीं हूँ, तो उसके लिए भी मैं तो हमेशा ओपन रहता हूँ। जहाँ मीडिया और सब लोग कहते थे एक सीट भी नहीं मिलेगी, हम 5 सीट जो है, कई लोग कहते थे, कई लोग वो जुमले में नहीं जाएंगे, मोदी जी ने। आज देश में सबसे विफल सरकार का किसी को भी अवार्ड देना चाहिए तो ये खट्टर और सैनी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों के जरिए ये हरियाणा के प्रदेश के सभी मतदाताओं के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि इतना इन्होंने हरियाणा को गर्ता में डुबा दिया हर प्रकार से, हर क्षेत्र में, कि वहां से उठाने के लिए हरियाणा के एक एक मतदाता को, एक एक क्षेत्र के लोगों को, एक एक चार जीवन के लीडरों को आगे आना पड़ेगा, अपना सुझाव देना पड़ेगा, मार्गदर्शन करना पड़ेगा। मैं आपके जरिए ये सभी एक्टिविस्टों को, इंटेलेक्चुअल्स को, सभी कर्मठ लोगों को, सभी विसल ब्लोअर्स को सबको आमंत्रित करता हूँ कि आपके पास जो कुछ भी सुझाव है वो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के सामने आप रखिए, हर संभव हम प्रयास करेंगे कि उसको न्याय मिले, उसके लिए कुछ ना कुछ करें। और एक बार ये मैं 3rd-4th week में हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर से हरियाणा की जनता के पास जाएंगे। ये मैनिफेस्टो हमारा दो भाग में होगा, एक जो है आप देखते हैं कि मैनिफेस्टो की किताब बहुत बड़ी होती है, दैट इज गोइंग टू बी अवर रोड मैप, हमारे लिए जो है वह हमारा पथदर्शक, वो जो है डॉक्यूमेंट रहेगा कि हरियाणा की सरकार जो बनेगी वो रास्ते पे सरकार चलेगी, और उसके महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसका हम जरूर से मीटिंग करके लोगों के सामने भी हमारे मुद्दे पेश करेंगे। कल यहाँ अमित शाह जी जो आए थे उन्होंने कहा 60 सीट लेंगे, पहले कहते थे 400 सीट लेंगे लोकसभा में, 240 में भी रुक गए, और हो सकता है जो प्रकार के मैनिपुलेशंस वो इलेक्शन में करते हैं वो नहीं कर पाते तो शायद 100 से भी नीचे सिमट जाते हैं, यहाँ भी करने का कोई इरादा हो सकता है, मगर उन्होंने कौन सी ऐसी कामगिरी कर दी, पहले भी कहते थे 75 पार करेंगे, फिर 40 पे आ गए, अभी कहते कि 60 लाएंगे, जुमलाबाजी उनका एक पेशा है, 15 लाख की बात करें, 2 करोड़ रोजगार की बात करें, समृद्ध हरियाणा की बात, जो कुछ भी कहते पेशा है, और आज कल भी आके ये कह के गया हरियाणा सरकार की ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में जो सरकार थी उसकी एक उपलब्धि का भी अमित शाह जी जो जिक्र कर दे तो मैं कहता कि हम इन लोगों ने कुछ काम किया, एक भी उपलब्धि का जिक्र नहीं कर पाए, वो विफलता के लिए मैं समझ रहा हूँ कि ये हरियाणा सरकार को जो ऐसे भी अल्पमत में है फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। लास्ट ईयर जो स्टेट में चुनाव हुए मैं इसमें एक स्टेट में कम से कम 5 उम्मीदवार थे सीएम फेस के, कोई डिसाइड नहीं हुआ था, और आप देख सकते हैं कि भारी जंगी बहुमत से कांग्रेस पार्टी वहां चुन के आई थी, तो यहाँ हरियाणा में भी जो है वही होगा कि भारी जंगी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। काफी मीटिंग हुई है, वो उपस्थित नहीं रहती थी, और मैं किसी ये डिबेट में भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, हर व्यक्ति का खुद का एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है और प्रतिबद्धता खुद की भी अलग अलग होती है, ज्यादातर देश में सभी नागरिक मतदाता एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स का सम्मान करते हैं, जब तक मुझको कुछ मिलता है मैं एक्स पार्टी के साथ हूँ और मुझको नहीं मिलता तो मैं वाई पार्टी के साथ हूँ, वो जो सोच होती है उसको ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते, मगर वो किस प्रकार की सोच चाहिए, क्या प्रतिबद्धता चाहिए, वो दैट इज लेफ्ट टू द इंडिविजुअल लीडर्स। हो सकता है इन डेमोक्रेसी एवरीबडी सब्जेक्ट टू क्वेश्चनिंग, एवरीबडी सब्जेक्ट टू क्वेश्चनिंग, मैं जो कुछ भी डिसीजन करता हूँ एक्स वाई जेड करते हैं, इट शुड गो थ्रू द जो है उसकी सब लोग जो है उसकी समीक्षा कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं और अपना ओपिनियन दे सकते हैं। शैलजा जी हमारी एक बड़ी लीडर है, शी हैज ऑल राइट टू एक्सप्रेस हर सेल्फ,
उनको मेरे में कोई कमी दिखी हो तो जरूर से हाईकमांड से भी प्रस्तावित करें, और आई एम ऑलवेज ओपन हाईकमांड के साथ कि उनको लगता है कि मैं ये काम करने के लिए इतना सक्षम नहीं हूँ तो उसके लिए भी मैं तो हमेशा ओपन रहता हूँ। तो ये जो है, मैं उनके बारे में कोई पब्लिक डिबेट में नहीं जाना चाहता कि वो कह रहे सही है करते हैं नहीं। नहीं, आप कहते हैं, मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं। जो उसका जवाब जो है आपकी हरियाणा की जनता ने दे दिया है, मेरी जो समझ है, मेरी समझ में कि जहां मीडिया और सब लोग कहते थे एक सीट भी नहीं मिलेगी, हम 5 सीट जो है, कई लोग कहते थे आपने नहीं कहा होगा, नहीं ठीक है, उनको कह ले दीजिए, वो बात उठा रही है। तो इसके बारे में जो है, मैं आपसे जो फिर से कह रहा हूँ कि आप मुझसे पूछे तो आई हैव अ सेट ऑफ आइडियाज, हाई कमांड इज ऑल्सो वेल अवेयर अबाउट इट, उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते होंगे तो करेंगे, मगर ये मीटिंग में जो है हम आपको मैनिफेस्टो पर रिस्ट्रिक्ट कर ले तो बेहतर होगा। आप कभी और कुछ जानना चाहते हैं मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ आपसे, कर लूंगा। वो जुमले में नहीं जाएंगे, मोदी जी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो कहा कि हम भी 450 रुपये, तेलंगाना सॉरी वहां की हमारी कर्नाटका सरकार ने 450 रुपये में सिलेंडर देना शुरू किया, गैस सिलेंडर। इन्हें कहा कि ये हम भी यहाँ 450 रुपये में देंगे, मोदी की गारंटी है। और जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, उसका बहुमत हो गया, वो सिलेंडर फिर से 1100 रुपये का हो गया। तो जुमलाबाजी के लिए नहीं, इससे वी नीड टू डू समथिंग कॉन्क्रीट। और वो जो है, आप जब भी मैनिफेस्टो आएगा निश्चित रूप से देखें। दोनों पोर्टल के बारे में लोगों के मन में बारोबार असंतोष है, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ जैसे ने रैंसम करना, मेरे यहाँ गुजरात में एक बड़ा शब्द है तोड़बाजी, वो करने के लिए लोगों के परेशान करने के लिए, उसको स्क्वीज करने के लिए ये प्रशासन और सरकार इस्तेमाल करती है, सबकी साझेदारी है वो खत्म करने के। मगर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आपको मैनिफेस्टो में आपको उसका जरूर से जिक्र मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। ये गुटबाजी नहीं है, मैं तो आपसे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से पूछो गुटबाजी के मामले में अनिल विज क्यों कहीं नहीं दिखे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जिसको गुटबाजी कहते हैं, एक कॉमन पॉलिटिकल प्रक्रिया है, मगर भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई नैरेटिव नहीं है। मैंने गुजरात में भी देखा था कि वो लगातार कहते हैं कि कांग्रेस में तो अंतर कला है, ये उसमें डिफरेंसेस है, और वो थ्रू मीडिया इसको ओवरप्ले करना चाहते हैं। और यहाँ भी मैं देखता हूँ, अभी लोकसभा चुनाव के बाद तो जो है आप लोगों का भी सहयोग थोड़ा बढ़ा है, मगर अन्यथा लगातार घूम फिर के ये एक ही मुद्दे पे आते हैं कि आपका ये, मैं आपके नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, प्लीज नहीं नहीं प्लीज प्लीज नहीं 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 मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि आपसे जो कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कला है, कला नहीं है, एक कॉमन कम्युनिकेशन डिफरेंस भी हो सकता है, आपस के परसेप्शन का भी डिफरेंस हो सकता है, उसको कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ता है। देखिए ऐसा है, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी थे, आज नायब सिंह सैनी जी हैं, युवाओं के साथ बहुत बड़ा एक अन्याय हुआ है, चाहे पेपर लीक हुए हो, चाहे भर्तियां जो है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने भर्तियों की प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं, वो तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह कांग्रेस पर नहीं, वो तो हाईकोर्ट पर लगा रहे हैं, हाईकोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर उनको ये भर्तियां करनी थी, हम इस चीज के खिलाफ नहीं है, युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए, जो पक्के हमारे कम से कम लाखों पद जो खाली पड़े हैं उस पर उनको भर्ती करने की बात करनी चाहिए। क्यों युवाओं को हरियाणा कौशल के तहत वो कच्ची नौकरी दे रहे हैं, और जो भी मामला हाईकोर्ट में जाता है, आपको याद होगा एक बार एक स्टूडेंट ने, एक बच्चे ने पूछा था खट्टर साहब से कि हमारी नौकरी का मामला जो है वो हाईकोर्ट में है, उन्होंने कहा जब तक आप जो है रेडी लगा लो। तो इस तरह का जो हाईकोर्ट में मामला है उसको सही ढंग से परसू करना, इट्स द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, वो कांग्रेस के ऊपर से उनका भूत ही, कांग्रेस के पांच नंबर। देखिए ऐसा इकोनॉमिक, पहले हमने भी सोशल इकोनॉमिक और कई कास्ट हमने ली थी, 5 नंबर का वो मामला जो भी है उनको स्वयं इससे जानकारी लेकर उसके बाद ये प्रक्रिया करनी चाहिए। सबसे बड़ा अन्याय तो ये हुआ है, जो बच्चे जिनको रोजगार मिल गया और उसके बाद उनको आपने जो है वो उस पर भर्ती पर रोक लग गई। और मैं कहना चाहूंगी ग्रुपर सीडी की भर्ती पर भी जो है जैसे ही इलेक्शंस के दौरान जो है उस पर भी रोक लगी है। तो सरकार को इस तरह की वो भर्ती करते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है क्यों वो पक्की भर्ती की प्रक्रिया को अपनाकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन या HPSC के माध्यम से पक्की नौकरी को क्यों नहीं हमारे बेरोजगार युवाओं को दे पा रहे हैं।